हेलो गाइस, दिस इज द फ्री हैंड एंड आज हम एक और ऑफिशियल सिनेरियो खेलने वाले हैं प्लेग इंक का। सो लास्ट टाइम हमने हु केयर्स खेला था, इस बार हम लोग वॉल्केनिक ऐश खेलने वाले हैं। ना वॉल्केनिक ऐश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जिसमें वॉल्केनो के इरप्शन की वजह से प्लेन ट्रैवल एकदम कम हो चुका है। सो ऐसा एक सिनेरियो का एग्जैक्ट ऑपोजिट फ्लाइट क्लब है जिसमें प्लेन ट्रैवल डबल हो चुका है। अगर वो वाला आपको वीडियो देखना है तो ऊपर राइट साइड में क्लिक कर लीजिए। बट इस वाले वीडियो में वॉल्केनिक ऐश की वजह से प्लेन ट्रैवल कम हो गया, सो इसके हिसाब से एक अलग यूनिक चैलेंज आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लेन के थ्रू जो इन्फेक्टिविटी होती है वो हम नहीं फैला पाएंगे, हमको ये इन्फेक्टिविटी फैलानी पड़ेगी इधर शिप या फिर और कोई मेथड से। एंड इसके लिए मेरे पास एक देखिए भाई बचाओ प्ले क्या हो गया वॉल्केनिक ऐश सॉरी। हाँ, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब में से कुछ भी ले सकता हूँ। एंड इस सिनारियो के लिए फंगस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिजीज़ है, क्योंकि फंगस को जैसे अगर आपने देखा होगा कि फैलने के लिए स्पोर बर्स्ट चाहिए होते हैं बट शिप और फ्लाइट नहीं चाहिए होता है। एंड इस सिनारियो में फ्लाइट्स है ही नहीं। सो फंगस एक बहुत ही अच्छा डिजीज़ है ये साथ खेलने के लिए। अगर आप थोड़ी सी कंफ्यूज है कि यार फंगस क्या चीज़ है यानी क्या स्पोर बर्स बोल रहा है, तो यार ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर लो, उसमें बता दूंगा फंगस कैसे खेलते हैं। बट मैं ये वाला गेम फंगस के साथ नहीं खेलूंगा, मैं ये वाला गेम न्यूरैक्स वर्म के साथ खेलूंगा जिसमें हम ब्रेन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड न्यूरैक्स वर्म में भी एक स्पेशल एडवांटेज मिलता है। न्यूरैक्स वर्म में उनकी जो इन्फेक्टिविटी वाली फ्लाइट है वो इस सिनेरियो में इफेक्ट नहीं होती है, वो एक स्पेशल फ्लाइट है जो अपने आप जनरेट हो जाएगी। जैसे आप गेम देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सो मैं ये वाला गेम या तो फंगस या तो न्यूरैक्स वर्म के साथ खेल सकता हूँ, क्योंकि उसमें दोनों में एडवांटेज मिलते हैं। बट आज वाला गेम मैं न्यूरैक्स वर्म के साथ खेलने वाला हूँ। नाउ अगर मैं बात करूँ मेरे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की, तो मैं साइटोक्रोम ले लूंगा जिससे ऑरेंज बबल से मुझे ज़्यादा डीएनए पॉइंट्स मिलेंगे। जेनेटिक मिमिक ले लूंगा जिससे प्लेग हार्ड हो जाएगा क्योर करने के लिए। नाउ न्यूरैक्स वर्म के साथ मुझे ज़्यादा इतना टेंशन नहीं है प्लेग क्योर करने के लिए, बट दिस इज ऑलवेज गुड टू हैव। ऑब्वियसली एक्वासाइट लूंगा, एरोसाइट ले नहीं सकता क्योंकि फ्लाइट्स है ही नहीं, सो एक्वासाइट लेंगे। एक्सट्रीमोफाइल लेंगे क्योंकि जनरली सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। एंड एंड में सिम्टोस्टेसिस लेंगे जिससे सिम्टम्स का कॉस्ट नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैं सिम्टम्स थोड़ा सा लेट लूंगा इस गेम में, थोड़ी इन्फेक्टिविटी बढ़ा के अच्छा खासा लोगों को इन्फेक्ट करके मैं सिम्टम्स लूंगा। एंड अगेन न्यूरैक्स वर्म जैसे मैं हमेशा खेलता हूँ, मैं डेथ के लिए नहीं जाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए या फिर मैं ह्यूमैनिटी को स्लेव बनाने के लिए जाऊँगा जैसे मैं हमेशा खेलता हूँ अपने न्यूरैक्स वर्म गेम में। सो विद दैट लाइक लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्स 12 ठीक है, जो भी नाम उसको बोलना है बोल सकता है। कौन सी कंट्री से चालू करूँ, क्या गेस करते हैं आप कहाँ से चालू करूँगा? यस, इजिप्ट मेरी फेवरेट कंट्री। सो इजिप्ट से चालू करते हैं। न्यूरैक्स वर्म में अभी तक तो कुछ अनलॉक नहीं है, थोड़ा स्पीड पास कर देते हैं। इजिप्ट में इन्फेक्टिविटी आ गई, सबसे पहले हम जाएंगे सिम्टम्स में, सबसे पहले लेंगे एग 1। एग 1 से क्या होगा, ये इन्फेक्टिविटी इंक्रीज कर देता है जो उसके होस्ट में है वहाँ पे। और जैसे आप देख सकते हैं इसमें कोई भी फ्लाइट नहीं चल रही बट सिर्फ बोट्स है। सो मैं ये लोकोमोशन टू जाके वाटर लेके यहाँ, सो पहले ये ट्रांसमिशन में मैं सब फोकस करूँगा, उसके बाद अबिलिटी में जाके ट्रोजन प्लेन्स पे फोकस करूँगा। एंड क्योंकि ये वाला सिनेरियो थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि फ्लाइट्स नहीं है, बट अगर शिप्स नहीं होती तो वाट लगती है, बट फ्लाइट्स के बिना हम डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। सो 1, 2 या वाटर आ गया, वाटर 1, 2 लूँगा एंड एग 2 ले लूँगा। एग 2 और वाटर 2 का एक मिश्रण भी होता है यहाँ पे जिसकी तरफ मैं टारगेट करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं ऑरेंज बबल के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, 11 डीएनए पॉइंट चाहिए। सो 11 डीएनए पॉइंट के लिए रुकता हूँ। आई देख पट 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 आ रहे हैं, आजा आजा आजा, 11 डीएनए पॉइंट बढ़िया। सो वाटर 1 ले लिया एंड अभी तक तो सिर्फ हम इजिप्ट में ही हैं, बट जैसे ही ये एक्सप्लोड होना चालू होगा ये क्या फटाफट एक्सप्लोड होता है, मेरे को 18 डीएनए पॉइंट चाहिए वाटर 2 के लिए। एंड मैं एयर पर फोकस करने ही नहीं वाला हूँ क्योंकि प्लेन LOL एयर पर गलती से क्लिक हो गया। ठीक है कोई नहीं, हमारे पास काफ़ी डीएनए पॉइंट्स आने वाले हैं सो इतना लोड नहीं है, बट एयर लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि एयर से ज़्यादा फैलने नहीं वाला। एयर नाउ लैंड टू लैंड में एयर हेल्प करता है क्योंकि ये एक एरिड कंट्री से दूसरे एरिड कंट्री में एयर के थ्रू जा सकता है, बट फ्लाइट्स नहीं है तो यू नो एयर लेके कुछ खास फायदा नहीं है। एक और डीएनए पॉइंट चाहिए भाई, एक और डीएनए पॉइंट, एक और डीएनए पॉइंट, एक और डीएनए पॉइंट, आह बढ़िया 22 डीएनए पॉइंट आ गए। सो ये जो देख सकते हैं ये है वाटर 3 जो एग 2 एंड वाटर 2 का मिश्रण है, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा ये वो आ जा रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फैलेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बोला था ये एक्सप्लोड होगा एंड ये एक्सप्लोड होना चालू हो गया है। ये लिया, उसके बाद हम फ्लाइट्स पे जाएंगे। ना जैसे देख सकते हैं ये ट्रोजन फ्लाइट्स है, ये न्यूरैक्स वर्म का सिग्नेचर फ्लाइट है एंड ये वाले सिनेरियो के सबसे एक्सपेक्ट नहीं होता। जैसे आप देखते हैं फ्लाइट बिल्कुल नहीं होता ये, बट ये वाली फ्लाइट उड़ेगी ही उड़ेगी। सो इसको लेके हम हमारी फेवरेट कंट्री ग्रीनलैंड में चले जाते हैं क्योंकि वो इन्फेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, बट इतना डेंजरस नहीं है क्योंकि
वो क्या बोलते हैं, शिप्स अभी भी चालू है। नाइस 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 नाइस, शिप्स अभी भी चालू हैं। मेरे को और भी डीएनए पॉइंट्स, बढ़िया। ट्रोजन रोमर्स 1 एंड फिर ट्रोजन प्लेन्स 3 ले लूँगा। उसके साथ आई थिंक इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, फिर मैं सिम्टम्स की तरफ फोकस करता हूँ एंड मैं सिवेरिटी कम करने की तरफ फोकस करूँगा ताकि ये लोग जल्दी क्योर पे काम करना नहीं चालू करते हैं। एंड दिस इज सिम्टम्स, मैंने सिम्टोस्टेसिस लिया था राइट, तो सिम्टम्स की कॉस्ट बहुत ही कम है एंड मैं फटाफट हमने 12-15 पॉइंट्स में सिम्टम्स ले सकता हूँ। अगर अभी देखें कौन सी कंट्रीज में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, साउथ अमेरिका में फैला देते हैं, एक कंट्री में पहुँचाएंगे तो सब कंट्रीज में पहुँच जाएगा साउथ अमेरिका में। नाइस, जाते हैं इधर, ये लेते हैं, ये लेते हैं। उसके बाद मैं ड्रग रेजिस्टेंस 1-2 भी ले लूँगा ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ फैलना फटाफट हो जाए। ड्रग रेजिस्टेंस 1 एंड वो नाइस, आइसलैंड में अपने आप ही पहुँच गया। एक सेकेंड, और कौन सी जगह है, न्यूजीलैंड में नहीं पहुँचा है अभी तक, फिलीपींस साइड में भी नहीं पहुँचा है। चलो न्यूजीलैंड में पहुँचा देते हैं, जस्ट अनदर वायरस जैसे उसने बताया, क्योंकि हमने इसका सिवियरिटी कम कर दी, सिवियरिटी थोड़ी सी और कम कर देते हैं एंड और कम कर देते हैं। सो ये बहुत चीप है मेरे सिम्टम्स, क्योंकि यू नो मैंने सिम्टोस्टेसिस लिया था एंड कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं, इससे क्योर पे प्रोग्रेस काम कम हो जाएगा। ओके नाइस, एंड डीएनए पॉइंट जैसे कहते हैं भर भर के हमको मिल रहे हैं, बट हमको कुछ लेना ही नहीं है यहाँ पे, ये लेके फ़ायदा नहीं है। हम ड्रग 2 ले लेते हैं एंड हार्डर टू गेट जेनेटिक हार्डनिंग ले लेते हैं ताकि क्योर पे काम एकदम ही स्लो। ओके, इसको कहाँ ले जाएँ, कहाँ ले जाएँ, यहाँ आ गया है, फिलीपींस में नहीं आया तो फिलीपींस में ले जाते हैं। आई थिंक क्यूबा में भी नहीं आया, नहीं करेबियन पर, करेबियन में भी नहीं आया तो करेबियन पे भी ध्यान दे सकते हैं। कोल्ड 1 लूँगा, जेनेटिक हार्डनिंग 1 लूँगा। कोल्ड 1 से क्या है, ये ऊपर वाली जो कंट्रीज है यहाँ फैलना चालू हो जाएगा। अगर मैं चेक करूँ तो यस, करेबियन में नहीं है, बाकी ये कोल्ड कंट्रीज में नहीं है, तो कोल्ड 1 हेल्प करेगा। यस से कोल्ड 1 में फैलना चालू हो गया है, कनाडा में भी आ गया, बढ़िया। चेक करते हैं कहाँ कहाँ नहीं है, आई थिंक कैरेबियन एक कंट्री है जो मुझे टेंशन दे सकती है बाद में, सो कैरेबियन में पहुंचा देते हैं। बट यूएस में आ गया तो कैरेबियन में इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जेनेटिक हार्डनिंग 2 ले लिया मैंने, इटली जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में मैंने जैसे ऑब्जर्व किया है इस सिनेरियो में यूरोपियन कंट्रीज जनरली पीछे ही रहती हैं, बट यू नो फटाफट आना चालू हो जाएगा। यहाँ पहुँचा दिया मैंने, नाइस। और कहाँ नहीं है, और कहाँ नहीं, पोलैंड में नहीं है, पोलैंड में आई थिंक पैक्स प्लेस एंड वॉच लिस्ट, और क्या ले सकते हैं, वन ले, कोल 2 ले लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, डिवोशन ले लेते हैं एंड इससे हम गेम जीत जाएंगे गाइस। ट्रांसेंडेंट से क्या होगा, ये न्यूरैक्स वर्म को गॉड जैसा, न्यूरैक्स वर्म को ये लोग ह्यूमैनिटी गॉड जैसा ट्रीट करने वाले हैं। सो ये ट्रांसेंडेंस लेके अगर मैंने सबको इन्फेक्ट कर दिया तो मैं ये सिनेरियो जीत गया, बहुत ही सिंपल है न्यूरैक्स वर्म इस केस में। कहाँ नहीं है, पोलैंड में कम है, पोलैंड में भेज देते हैं। हाँ सो इस सिनेरियो में न्यूरैक्स वर्म काफ़ी ज़्यादा सिंपल है गाइस, फ्रांस लीडिंग द क्योर एफर्ट। यहाँ क्यों नहीं है भाई, कोल्ड कोल्ड 2 लिया था ना मैंने, कोल्ड 2 लिया था मैंने, क्या ले सकते हैं, हेयर वेयर लेके फ़ायदा नहीं है, जेनेटिक स्वाब लेने से इंक्रीज चांस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन ज़्यादा इंक्रीज करना नहीं है मुझे। मेमोरी लॉस ले लेता हूँ, उससे क्योर प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। ट्रांसेंडेंस ले लेता हूँ, सो उससे भी क्योर प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, कि जो जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो न्यूरॉक्स वर्म को क्योर करने नहीं जाएंगे। मोरक्को ब्रेक डाउन, कौन सी कंट्री में, यूक्रेन में आई थिंक कनाडा में एक्सप्लोड होने वाला है, सो इसको यूक्रेन में भेज देता हूँ मैं। बट आई थिंक गाइस यू नो इसके साथ हम काफ़ी हद तक गेम जीत चुके हैं एंड हमारे डीएनए पॉइंट्स का इतना बहार है, जैसे आप देखते हैं डीएनए पॉइंट्स ही डीएनए पॉइंट्स हैं, उससे मैं धीरे धीरे क्योर प्रोग्रेस कम करूँगा। इन्फेक्टेड वर्शिप पैक्स 2, सो जैसा देखते हैं जैसे मैंने ट्रांसेंडेंस लिया था ये वर्शिप करने लग गया है एंड क्योर पर काम भी नहीं कर रहे हैं, सो क्योर प्रोग्रेस स्लो हो जाता है ट्रांसेंडेंस से। एट द सेम टाइम ये एक विन कंडीशन है, सो मेरे को लोगों को किल करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको न्यूरैक्स वर्म के साथ लोगों को किल करना है तो ये वाले पाथ पे जाना पड़ता है आपको, जहाँ पे एनुरिज्म होता है एंड देन फिर मसल लॉस होता है, कोमा वोमा सब आता है, बट मुझे वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स हैं वो डेड चीप है, एक डीएनए पॉइंट का सिम्टम है, सो ऑब्वियसली मैं एक्सपांड करूँगा सिम्टम्स को, मेनिया से ओके स्लो हो जाएगा, फास्ट कर लेते हैं, न्यू ऑब्सेसिव एराटिक पैरासाइट वर्म, यस ये सिनेरियो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप बैक्टीरिया या वायरस लेंगे, क्योंकि यू नो बैक्टीरिया वायरस में आपको ज़रूरत है कि आप
यू नो प्लेन्स की काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़रूरत पड़ती है, बट न्यूरैक्स वर्म में क्योंकि हमने ट्रोजन प्लेन्स ले रखे हैं तो इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक और जेनेटिक रिशफल ले लिया क्योंकि मैं मेरे पॉइंट्स बढ़ाना चाहता हूँ। इस स्टेज पे आई डोंट थिंक ये लोग मुझे यू नो हरा सकते हैं, मैं सिर्फ अपने पॉइंट्स बढ़ा रहा हूँ। लास्ट वाले के लिए 36 पॉइंट्स हैं। आई थिंक कहाँ कम है, आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड में कम है, आइसलैंड में काफ़ी ज़्यादा कम। तो आइसलैंड पर फोकस करते हैं, आइसलैंड पर एक बम्प अप देते हैं। आइसलैंड थोड़ी देर में एक्सप्लोडन अच्छी जैसे ग्रीनलैंड हो रहा है। एक और आजा आइसलैंड, यस गाइस आइसलैंड भी एक्सप्लोड हो चुका है एंड प्योर प्रोग्रेस ऑलमोस्ट जीरो पे है क्योंकि कोई प्योर पे काम नहीं कर रहा है। आइसलैंड सऊदी अरेबिया बाल्टिक्स, आइसलैंड ही एक कंट्री जिसमें 20 लोग हैं, बाकी सब तो ऑलमोस्ट 100% इन्फेक्टेड है। कुछ लोग डेड हैं बट दैट्स काइंड ऑफ ओके गाइस क्योंकि यू नो थोड़े लोग जनरली भी मर जाते हैं। थोड़ा बहुत हमारे पास लिथालिटी है, नॉट मच, मतलब कुछ लिथालिटी है नहीं, बट फिर भी जनरल कारण की वजह से भी लोग मरते हैं, सो यू नो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट विद दैट गाइस हम ये सिनेरियो जीत चुके हैं जिसमें हम वॉल्केनिक ऐश के साथ फ्लेम्स के अगेंस्ट खेल रहे थे। मैं और ऐसे ऑफिशियल सिनेरियोज खेलता रहूँगा गाइस। अगर आपको और भी स्पेसिफिक सिनेरियो चाहिए या आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ खेलना है तो आप मुझे कॉमेंट पर लिख के बताइए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज। मैं प्लेगिंग और रेबेलिंग के वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूँ, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। विद दैट गाइज वी वन द गेम एंड जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी आराम से जीते एंड फुल स्कोर मिला है हमको क्योंकि हमने इफेक्टिविटी हाई रखी एंड डेथ रेट पर फोकस ही नहीं किया। सो ये काफ़ी ईजी गेम था मेरे लिए क्योंकि स्ट्रैटेजी बराबर थी एंड विद दैट दिस इज द प्री आई साइनिंग ऑफ।